मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली मोड निकालने के लिए हमें ये तीन स्टेप्स को लर्न रखना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमें पी एक्सपोन पी एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, जितनी कैलकुलेशंस होती हैं हम करेंगे और इसका एक छोटा सा रिजल्ट निकाल लेंगे. अब सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू, ये जो हमारा रिजल्ट निकला है, इसकी वैल्यू कब वन से बिगर होगी और कब वन से स्मॉल होगी एक्स की वैल्यूज के लिए. दैट इज हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी. थर्ड स्टेप में उन्हें एक्स की वैल्यूज को पुट कर देंगे इस रिलेशन में. ठीक है, और सिंप्लीफाई कर हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, स्टार्ट करते हैं. हमें मालूम है दैट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये होती है, हमने लिख दी है यहां पर. देखिए नीचे हमें जस्ट एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन ही लिखना है इस पूरे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में. ठीक है, हमने वही की एक्स माइनस वन लिख दिया. यहाँ पर देखिए जब एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन लिखेंगे सो माइनस अंदर चला जाएगा, दैट इज वन के सामने पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें मालूम है इसकी एक्सपेंशन ये होती है, हमने कर दी. ठीक है, वैसे इसकी एक्सपेंशन भी क्या होगी, इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय इसका फैक्टोरियल, साथ में क्या होता है दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल. जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स के सामने माइनस आ जाएगा और वन के सामने प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है, यहां तक हम आ गए. अब हमें, ठीक है, कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट करनी है. जितनी कटिंग हो सकती है हम स्टार्ट करेंगे करनी. हमें मालूम है दैट फैक्टोरियल्स की कटिंग कैसे करते हैं. जो वाला फैक्टोरियल हमारा बिग होता है ना, उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं. सो पहले चेक करते हैं. देखिए ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, दैट इज इन दोनों को तो एक्सपेंड नहीं करना. अब देखिए इसको और इसको मैच कीजिए, दोनों में से बिगर कौन है, ऑब्वियसली एक्स, बिकॉज उसमें से तो एक वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना. सो अगर एक्स बिगर है दैट इज इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, कब तक, जब तक हमारा ये वाला फैक्टोरियल कट हो जाए तब तक हम एक्स फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे. हमें ओनली वन टर्म तक ही एक्सपेंड करना पड़ा, उसके साथ ही हमारा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया था. ये तो हमारा हो ही गया था कैंसिल आउट. ठीक है, साथ में अब देखिए नीचे पड़ा है एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, यहाँ पर ये पड़ा है. दोनों में से बिगर ये है, यहाँ पर प्लस वन हो रहा है, दैट इज इसको एक्सपेंड करेंगे. वन टर्म तक ही एक्सपेंड किया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए. फर्दर देखिए अब इन दोनों में से बिग कौन सा है, ऑब्वियसली ये, दैट इज इसमें से वन p की पावर एक वन कॉमन बाहर निकाल लेंगे. सो p की पावर x माइनस वन हो जाएगी. अब इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया. फर्दर देखिए इन दोनों में से बिग कौन सा है, ये वाला प्लस वन हो रहा है. दैट इज अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक बार क्या की पावर ये और एक बार क्या की पावर वन, हमने वैसे ही लिखा है. ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए टोटल हमारे पास क्या बचा, ये बचा था p लिख लिया, यहाँ पर ये बचा था क्या लिख लिया. ओके, यहाँ पर क्या बचा था क्या लिख लिया, यहाँ पर ये वाली टर्म बची थी, ये वाली टर्म लिख ली. अब हमें मालूम है दैट इज इन नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी. वैसे ही हमने किया, देखिए ये ऊपर न्यूमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर के साथ आ गया. ठीक है, दैट इज ओवरऑल हमारे पास ये आ गया. ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें रिजल्ट निकल चुका है. बट आप अगर देखें तो सेकंड स्टेप में हमें देखना था कि ये वैल्यू कब वन से बिग होगी, कब वन से स्मॉल होगी. ठीक है, सो अब देखिए ऐसा चेक करने के लिए हमें चाहिए कि इस रिजल्ट में कहीं ना कहीं वन ना रहा हो. अब वन कैसे आता है, जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. बट कहीं पर भी ऊपर न्यूमिनेटर में एक्स क्यू नहीं पड़ा, इसलिए हम अपनी तरफ से एक्स क्यू को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो अगर इसके नीचे ये लेकर जाएंगे तो हमारा वन आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट ऑन ये वाली पूरी टर्म, दैट इज माइनस एक्स क्यू. सॉरी, यहां पर देखिए ब्रैकेट ऑन माइनस एक्स क्यू. ठीक है, p अंदर चला जाएगा. ओके, चला गया. ठीक है, यहां तक आ गया. अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में से माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, अंदर चला p प्लस क्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लस, इन दोनों टर्म्स में से p कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा n प्लस वन. p प्लस क्यू की वैल्यू वन होती है हमें मालूम है, सो हमने यहां पर लिख दिया ओनली n प्लस वन p माइनस एक्स. ठीक है, हम यहाँ पर पहुंच गए. फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट. सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज हमें चेक करना है कि ये जो एक्चुअली में ये हमारी किसकी वैल्यू निकली है, इसकी वैल्यू ही निकली है ना. हमें चेक करना है कि ये वाली टर्म कब वन से बिग होगी, कब वन से स्मॉल. आप खुद देखिए वन से स्मॉल कब होगी, जब वन में से कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा. सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, जब ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव बन जाएगी तभी वन में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा. ये वाली टर्म कब नेगेटिव बनेगी, जब ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर हमारा नेगेटिव होगा. और ये हमारा कब नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली जब x की वैल्यू इस टर्म में से बिगर हो जाएगी. सो सब कुछ आकर बचा इस टर्म पे कि ये टर्म हमारी कैसी है. ओके, सो अब देखिए पॉसिबल ये टर्म इंटीजर भी हो सकती है और पॉसिबल ये टर्म इंटीजर ना भी हो. दैट इज हमारे टू केसेस डिराइव होते हैं इसकी वैल्यू में से.
फर्स्ट केस इज ये हमारा इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, सेकंड केस इज ये हमारा इंटीजर है. अगर ये इंटीजर नहीं है तो हम इसकी जगह m प्लस f लिख सकते हैं, वेयर m इज इंटीजर एंड f इज फ्रैक्शन. आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए. सपोज 4.5 हमारा इंटीजर नहीं है, इसको हम m प्लस f की टर्म में कैसे तोड़ेंगे? ऑब्वियसली 4 प्लस 0.5. ठीक है, ये हो गया हमारा m, दैट इज इंटीजर, और ये होगी फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है. ठीक है, और सेकंड केस में जब ये इंटीजर होगा तब हम जस्ट ओनली m ही लिख देंगे. हमने जस्ट ये 2 केसेस उठाना है. हर केस में ये जो 2 स्टेप्स हमारे पीछे बचे थे इन दोनों को एग्जीक्यूट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा. सो फर्स्ट केस उठा लिया हमने जब ये हमारा इंटीजर नहीं था, दैट इज हमें m प्लस f लिखना है इसकी जगह पर, जो हमने इसका आंसर निकाला था वहां पर. ठीक है, सो हमने लिख दिया m प्लस f इसके लिए जो हमने आंसर निकाला था वहां पर. सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब हमें मालूम है ये वाली पूरी टर्म 1 से बिग कब होगी, जब इसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, दैट इज जब ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी. ये वाली टर्म कब पॉजिटिव होगी? ऑब्वियसली जब न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा, दैट इज जब x की वैल्यू है जो वो m प्लस f से स्मॉल होगी. खुद सोचिए x की वैल्यू कब m प्लस f से स्मॉल होगी? जब x की वैल्यू m तक पहुंचेगी. जब तक x की वैल्यू m तक ही रहेगी ना, तब तक ये हमारी टर्म पॉजिटिव ही रहेगी. ठीक है, सो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 0 1 टू सोन अप टू m तक के लिए ये वाली टर्म हमारी पूरी ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब ये वाली टर्म, दैट इज ये वाली हमारी m 1 से स्मॉल कब होगी? ऑब्वियसली जब 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तभी 1 से ये स्मॉल बनेगी. 1 से कब कुछ सब्ट्रैक्ट होगा? जब ये वाली टर्म नेगेटिव होगी, दैट इज जब न्यूमिनेटर नेगेटिव होगा, दैट इज जब x की वैल्यू m प्लस f से बिग होगी. ठीक है ना, x की वैल्यू m प्लस f से बिग होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू m से बिग होगी, दैट इज m प्लस 1 सो ऑन अप टू n तक जाएगी. ठीक है, उस केस इन सभी x की वैल्यूज के लिए हमारी इसकी वैल्यू 1 से स्मॉल होगी. सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. हमने निकाल लिया x की किन वैल्यूज के लिए ये बिगर देन 1 है और किन वैल्यूज के लिए स्मॉलर देन 1 है. थर्ड स्टेप क्या था? हमें x की वैल्यूज को बस पुट कर देना है. किसमें? इस रिलेशन में. ठीक है, पहले ये वाली वैल्यूज को उठाते हैं, टर्न बाय टर्न इस रिलेशन में पुट करते जाते हैं. ठीक है, जीरो हम पुट नहीं कर सकते बिकॉज नीचे माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, और हमें मालूम है दैट यहां पर एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर होता है नंबर ऑफ द सक्सेसेस विच कैन नेवर बी नेगेटिव. राइट, 1 से स्टार्ट करेंगे पुट करना. खुद देखिए यहां पर इस रिलेशन में 1 पुट करेंगे हम, इस पूरे रिलेशन में ये आ जाएगा. इस पूरे रिलेशन में 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा. इस पूरे रिलेशन में m तक पुट करेंगे, ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अब इन वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं और इस रिलेशन में पुट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, x की वैल्यू को m प्लस 1 पुट करेंगे इस पूरे रिलेशन में, हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा. ठीक है, वैसे ही m प्लस 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा. सो ऑन अप टू n तक पुट करेंगे इस रिलेशन में, हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया. दैट इज हमने x की वैल्यूज को पुट कर लिया जो हमने सेकंड स्टेप में निकाली थी. अब हमें जस्ट सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है. देखिए कैसे, अगर हम इसको उधर ले जाएं हमारे पास आएगा p1 इज ग्रेटर देन p0. इसको हम उधर ले जाएं हमारे पास आएगा p2 इज ग्रेटर देन p1. सो ऑन अप टू इसको उधर ले जाएं हमारे पास आएगा pm इज ग्रेटर देन pm-1. वैसे ही इन सभी केसेस में भी आप कर सकते हैं, ये सब आ जाएगा. ठीक है, अब फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं. हम ना p0 से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे जो जो हमें टर्म मिलेंगी. ठीक है, p0 मैंने लिख लिया. अब देखिए पूरी टर्म्स में p0 कहां पर है? ये रहा, यहां पर बताया गया है दैट इज p0 इज स्मॉलर देन p1, स्मॉलर देन p1. ठीक है, हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया. फर्दर देखिए p1 उठा लीजिए और कहां पर मिल रहा है? ये मिल रहा है. यहां पर कह रहे हैं p1 इज स्मॉलर देन p2, p1 इज स्मॉलर देन p2, यहां तक पहुंच गए. ठीक है, सो ऑन अप टू हमें इस रिलेशन में मिल रहा है कि pm-1 इज स्मॉलर देन pm, यहां तक हो गया कंप्लीट. ठीक है, अब pm फर्दर उठा लीजिए और आपको कहां मिल रहा है? ये मिल रहा है यहां पर, जहां पर इन्होंने कहा है कि pm इज ग्रेटर देन pm+1. pm लिखा था हमने, अब आगे क्या लिखना है? ग्रेटर देन pm+1. अब फिर पूरे रिलेशन में देखिए pm+1 कहां पर मिल रहा है? ये मिल रहा है, और इन्होंने कहा है इट इज ग्रेटर देन pm+2, दैट इज ग्रेटर देन pm+2, यहां तक पहुंच गए. सो ऑन अप टू हम कह देंगे कि ग्रेटर देन pn. ठीक है, यहां तक हो गया. अब आप खुद देखिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन सभी वैल्यूज में से बिगर है. इन सभी वैल्यूज में से देखिए pm ये अपनी लेफ्ट एंड राइट हैंड वाली सभी टर्म्स में से ग्रेटर है. ठीक है ना,
सो दैट्स वाई हमें मालूम पड़ गया दैट इज पी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब यहाँ पर जो एक्स पड़ा होता है उसकी वैल्यू एम होगी, दैट इज जब हमारी फर्स्ट केस के लिए जब हमारा एन प्लस वन पी है जो वो एक इंटीजर नहीं होगा, उस केस में हमारी केवल एक मॉडल वैल्यू निकली और वो मॉडल वैल्यू है हमारी पी एम, दैट इज जब हमारी एक्स की वैल्यू एम होगी। सो फर्स्ट केस के लिए हमने मॉडल वैल्यू निकाल ली, अब सेकंड केस की बारी। सेकंड केस दैट इज जब ये हमारा इंटीजर के इक्वल होगा तो हम इसको m लिख देंगे, ठीक है। दैट इज अब इसके लिए जो हमने रिजल्ट निकाला था उसमें हम इसकी जगह पर m को हमने पुट कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए हमारे इस जो रिजल्ट है ये एक बार ग्रेटर देन वन होगा और स्मॉलर देन वन होगा। खुद देखिए ग्रेटर देन वन कब होगा, ऑब्वियसली जब इस वन में से कुछ ऐड हो रहा होगा, दैट इज ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव होगी। ये वाली टर्म कब पॉजिटिव होगी, जब हमारा न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा। न्यूमिनेटर कब पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू m से स्मॉल होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि x की वैल्यू m से स्मॉल होगी, m तक नहीं पहुंचेगी। अगर m के इक्वल आ गया x तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, दैट इज इसकी वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। सो हमें मालूम पड़ गया फॉर द x वैल्यू स्मॉलर देन m, दैट इज जब m प्लस वन तक रहेगी इसकी वैल्यू, तब हमारी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। अब देखिए जब x की वैल्यू m के इक्वल आ गई तो इसकी वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अब इसकी वैल्यू है जो वो हमारी वन से स्मॉल कब होगी, जब वन से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव होगी, दैट इज जब एक्स की वैल्यू एम से ग्रेटर होगी, दैट इज एम प्लस वन टू सोन अप टू एन तक पहुंचेगी। उन सभी एक्स की वैल्यूज के लिए ये वाली टर्म हमारी स्मॉलर देन वन रहेगी, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यूज हमने निकाल ली सेकंड स्टेप में से, अब थर्ड स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज इन सभी एक्स की वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इन सभी एक्स की वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस वाले रिलेशन में, करते हैं स्टार्ट। वन पुट किया इस रिलेशन में, हमारे पास ये आ गया। टू पुट किया इस रिलेशन में, ठीक है। फिर सोन अप टू एम माइनस वन पुट किया इस रिलेशन में, हमारे पास ये आ गया। देखिए अब एक्स की वैल्यू इसको उठा लेते हैं और इस वाले रिलेशन में पुट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू वन कंबाइन अप कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एक्स की इन वैल्यूज को उठा लेंगे और इस रिलेशन के साथ पुट अप कर देंगे। सो हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो अब थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स हम, आप खुद देखिए, अगर हम इसको उधर ले जाएं हमारे पास आएगा पी वन इज ग्रेटर देन पी जीरो, ठीक है। ओके इसको उधर ले जाएं हमारे पास आएगा पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, ठीक है। सो ऑन अप टू दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये आ गया। यहां से उठा लेंगे पी एम इज इक्वल टू पी एम माइनस वन, अब इन टर्म्स को भी ऐसे ही उठा लेंगे, हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें और सिंप्लीफाई करना है, हमने इसका एक ही मेथड है, दैट इज आप सबसे स्मॉलर पी जीरो उठा लीजिए और आगे जो भी टर्म्स मिलती हैं उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे। पी जीरो उठा लिया, अब आगे हमें क्या मिल रहा है, दैट इज पी जीरो इज स्मॉलर देन पी वन, हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पी वन उठा लीजिए, कहां तक मिल रहा है, पी वन इज स्मॉलर देन पी टू, यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो ऑन अप टू हमें मालूम है दैट दिस टर्म इज स्मॉलर देन दिस, यहां तक कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पी एम माइनस वन उठा लीजिए, यहां पर मिल रहा है, दैट इज दिस इज इक्वल टू पी एम, यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज पी एम उठा लीजिए, अब कहाँ पर, ये हमें यहाँ से मिल रहा है, दैट इज पी एम इज ग्रेटर देन दिस, ओके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फर्दर पी एम प्लस वन इज ग्रेटर देन दिस, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। सो ऑन अप टू ओवरऑल हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज ये दो वैल्यूज जो आपस में इक्वल हैं, ये अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों टर्म्स में से बिगर हैं, दैट इज जब हमारा एन प्लस वन पी की वैल्यू हमारी इंटीजर थी सेकंड केस में, उस केस में हमें टू मॉडल वैल्यूज मिल रही हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक तो हो गई पी एम माइनस वन, एक हो गई पी एम, दैट इज जब एक्स की वैल्यू हमारी एम माइनस वन होगी और एम होगी तब हमारा मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। ओके सो केस वन में से हमें मिला था ओनली वन मॉडल वैल्यू, दैट इज ओनली पी एम। केस टू में से मिली हमें टू मॉडल वैल्यूज, दैट इज पी एम माइनस वन एंड पी एम, ठीक है। और इनको हमने निकाला कैसे, जस्ट ओनली बेसिक थ्री स्टेप्स में से। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमें पी एक्स पॉन पी एक्स माइनस वन की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। उसकी वैल्यू निकाली, सिंप्लीफाई किया पूरा एकदम अच्छे से। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि एक्स के किन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन स्मॉलर देन वन होगी। थर्ड स्टेप में हमने उन एक्स की वैल्यूज को पुट किया, उसके फर्दर सिंप्लीफाई करते गए और हमारे पास आंसर आ गया। इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।